बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं जूस, बना रही हूँ जो मैं मिक्स जूस बना रही हूँ आप लोग के साथ, देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने अंगूर लिए थे और ये मैंने वो लिया है अनार, और ये मैंने सेब लिए, और ये मैंने आड़ू लिए। इनको मैं सबको अच्छे से इनको छील लूँगी, वो तो वैसे भी इनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसको भी। और ये मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई है, देखिए हाय करो, हाय व्यूअर्स। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने सभी छील लिए, आड़ू भी छील लिया, मैंने एप्पल भी छील लिया। अभी हम कटिंग करके इसको ऐड करते जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे इसको अच्छे से। हम इसके अंदर फिर अंगूर भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम तो इसको कटिंग करके ऐड कर देंगे, और सेब भी साथ में ऐड कर देंगे। ये तो दो दफ़ा में पिसेगा, तो इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़े, और थोड़े फिर बाद में ऐड करूँगी। और देखिए मैं इसके अंदर सेब भी ऐसे कटिंग करके ऐड कर दूँगी, और सेब के हम बीज निकाल लेंगे इसको अच्छे से। इसमें से जो डंडी है ये निकाल लेंगे, अच्छे से देखो इसको, सबको अच्छे से हम इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अब मैं दो सेब अभी इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर जब ये दूसरा पीसूंगी फिर दो फिर ऐड कर दूंगी। और मैं इसके अंदर अभी बिस्मिल्लाह अच्छे से हमने छिलके इसके मैंने निकाल लिए थे सभी, देखे ये इसमें जो डंडियाँ हैं ये भी निकल जाएंगी। वैसे भी ये छनेगा, इसको पीस के हम अच्छे से छान लेंगे फिर। मैं इसके अंदर चीनी मैंने ली थी एक कटोरी, मीठा अपने टेस्ट मतलब अपने इतना मीठा अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, तो मैं इसके थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर रही हूँ। देखिए आधी मैंने भी ऐड कर दी, और मैं इसके अंदर अंगूर भी ऐड कर दूँगी, ये भी ऐड कर दूँगी मैं बिस्मिल्लाह मान रही। और मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसको अच्छे से हम ग्लेंड कर लेंगे बिस्मिल्लाह मान रही। देखिए मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, इसको अच्छे से हम इस इसका मिल्क शेक बना के फिर आपको दिखाते जूस। जूस देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा पिस रहा है, देखिए बहुत अच्छा सा ग्लेंड हो रहा है। देखिए मैंने इसको अच्छा सा ग्लेंड कर लिया है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा पिस गया। इसको हम निकाल लेंगे बाहर, इसको हम छान लेंगे, और दूसरा भी मैं ऐसे बिल्कुल अच्छा सा पीस लूँगी, और मैं अभी आपको छान के भी दिखाती हूँ। देखिए हम इसको छन्नी में अच्छे से छान लेंगे, देखिए बिल्कुल अच्छा सा छने जा रहा है। देखिए मैं इसको अच्छे से इसको मैं इसमें ऐड करूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको पकड़ के हम अच्छे से छन्नी में ये सभी ऐड करके इसके देखिए इसमें बीज निकलें, और दूसरा भी मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। देखिए इसको अच्छे से हम छान लेंगे, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा जूस बन रहा है इसका। और मैं इसके अंदर बर्फ भी ऐड करूँगी, देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया। आप चाहें तो इसको दोबारा भी पीस सकते हैं मशीन में, जिससे आप फ्रूट हम और पीसेंगे तो ये इसमें अच्छे से ग्लैंड हो जाएगा। देखिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको अच्छे से हम, और मैं इसके अंदर फ्रूट सेब कटिंग करके वो भी ऐड कर दूँगी, मैं ये भी ऐड कर दूँ इसके अंदर, अंगूर भी ऐड कर देंगे। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ये मैं ये भी ऐड कर दूँगी सभी।
साथ में हम चीनी भी ऐड कर देंगे, और जो मैंने बाकी वो रखे हैं छील के उसको कटिंग करके वो भी ऐड कर दूंगी। सेब देखिए मैंने एप्पल भी काट लिए, सब चीज़ें इसमें काट के मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर पानी भी मैंने डाल दिया था, इसको अच्छे से हम ब्लेंड करके आपको इसका जूस बना के फिर आपको सर्व करके भी दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होएगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैर होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अमाल में रखे। और आज मेरी वाइफ ने आप लोग के साथ शेयर किया है जो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना हुआ है मिक्स जूस जो है, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है मेरी वाइफ ने। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।